अब तो रक्षाबंधन आ रही है, अब तो मुझे राखी बना के बेचना पड़ेगी। मेरे पास वैसे पैसे नहीं, अब मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे। मुझे राखी बेच के पैसे मिलेंगे, उनसे मैं अपनी पतंग खरीद लूंगा और त्योहार बना लूंगा। मैं अपना काम स्टार्ट करूँ। भैया मेरी राखी ले लो। अलर्ट। मैं इतनी मेहनत से राखी लाया, मेरी राखी कोई नहीं खरीद रहा है यार, मैं अब क्या करूं? हेलो, हाँ 5,000 राखी भेज दो, रक्षाबंधन आने वाले हैं। मेरे शोरूम पर राखी नहीं बची, जल्दी आओ। भैया मेरी राखी ले लो। कितने रुपए की है? जे वाली 10 वाली है, जे वाली 20 वाली है। और जे वाले कितने कितने की है? जे 50-50 की है, इसमें एक मोती भी है। भिखारी, जो तू अपने 4 राखी बेच के तू किसी का एहसान नहीं कर दिया, मेरे शोरूम पे कूड़ेदान में राखी पड़ी रहती है। दे राखियां ये राखियां अपनी बहनों को पिने के बाद, और ये काम मत कर। वो मेरी रागी नहीं ले रहा है, ने मैं चल कर मार दिया। भैया रागी ले लो। रागी ना, इस भिखारी की दुकान में से लो, मेरी दुकान से लो, शोरूम पे। वो एक मेरा ग्राहक है, उसे भी बोलेगी भिखारी की बिक्री नहीं होगी तभी मेरा ये राग लगेगा यार, वो भिखारी में ही लगी रियाज कर। भैया राखी ले लो। कैसी है? एक 20 रुपए की, एक 30 की है। मेरा राखी लेना है तो इसी दुकान में कुछ रखा है, मेरी दुकान पे चलो। कौन सी तेरी दुकान? शोरूम पे। तो मेरा ग्राहक उस टाइम भी लेगा, अभी ले जाओ। तेरे शोरूम पे गया, जो उसकी दुकान पे, उसकी दुकान पे ना, इसका लोकल वाला माल है, बड़े वाला माल है। अगर मैं उसकी दुकान पे से कुछ लेऊंगा, उसका घर बार तो चल जाएगा। मुझे जी दोनों दे दो। ले लो, पैसे दे दो। भैया राखी ले लो। कितने की है ये राखी? 50 की दो। अब तो मेरी सारी राखी बिक गई, उसकी तो बिकी भी ना होंगी। अब मैं जा रहा घर पर, मेरा तो खर्चा निकल ही आया, उसके चक्कर में ही सारी राखी बिक गई, वो अनजान सही मिला।